हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मैं सच में पापा बनने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो मेरे से पूछा जाता है कमेंट्स कि भैया आप मतलब पापा कब बनने वाले हैं, या आपका बेबी कब होने वाला है, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते रहते हैं। प्लानिंग कब कर रहे हैं, हाँ, या फैमिली प्लानिंग कब कर रहे हैं, इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो सारे कमेंट्स का मैं जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि क्या सच में मैं पापा बनने वाला हूँ। तो हाँ, ये सच है कि मैं पापा बनने वाला हूँ, और हमारे फैमिली मेंबर में एक नया मेंबर बहुत जल्दी आने वाला है। आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा वो वीडियो। और अभी क्या है कि समय आ चुका है, बहुत कम समय बचा हुआ है, और वीडियो इस पर हम रिवील वगैरह नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ कारण था, वो मेरे घर से मम्मी वगैरह मना की थी, और सोचे चलो बाद में। ये सब अच्छा नहीं लगता वीडियो में। मैंने सोचा था जब एक टाइम आएगा अच्छा समय, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हालांकि बहुत लोग समझ भी गए होंगे, वीडियो हमारा आता था तो बहुत लोग कमेंट भी करते थे। हालांकि थोड़ा थोड़ा क्लू मैं आप लोगों को देता भी था, ताकि आप लोग समझे। मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा था, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। बहुत लोग समझ भी गए थे, वैसे भी वीडियो बनाने वाले नहीं थे हम लोग, इसीलिए बना रहे कि बहुत लोग पूछ रहा था। हाँ, यही कारण है कि बनाना पड़ा, इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो अब सोचे कि नहीं, अब आप जो हमारे इतने सारे दोस्त लोग हैं, भाई लोग जो वीडियो देखते हैं, तो उनको ये बताना जरूरी है, इसलिए हमने चला चलो बना देते हैं वीडियो। और हालांकि ये वीडियो जब तक आपको मिलेगा, तब तक मैं अभी हम रूम शिफ्ट भी करने वाले हैं यहाँ क्वार्टर से, क्योंकि यहाँ क्या है कि जंगल में लोग रहते हैं, तो 15 किलोमीटर अंतर आ जाता है मार्केट से, 30 किलोमीटर हमारा दूर पड़ता है यहाँ से हॉस्पिटल। तो दूर होने के कारण हम मार्केट में शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से रूम फिलहाल क्वार्टर को हम छोड़ेंगे। इस पर आपको ऑलरेडी वीडियो मिल गया होगा, हो सकता है फिर आपको उसके बाद हम क्वार्टर पर शिफ्ट, नया क्वार्टर का भी वीडियो आपको देखने को मिल गया होगा। फिर मेरी मम्मी वगैरह भी आने वाली है, वो भी हालांकि आपको वीडियो मिल गया होगा। ये वीडियो थोड़ा सा आपको लेट मिलेगा, क्योंकि समय थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है, अभी रूम शिफ्ट करना है, बहुत सारे काम अभी बाकी है। तो वीडियो आपको मैं धीरे 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 करके मैं अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों, आप लोग बस दुआ कीजिए कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है। तो हम थोड़ा सा इसी को लेकर हम नहीं रिवील वगैरह कर रहे थे, हम सोचे सब कुछ अच्छे से जब हो जाएगा उसके बाद आराम से हम बना देंगे वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ क्या है कि यहाँ पे हम मार्केट में शिफ्ट करेंगे गीदम में, तो दंतेवाड़ा में हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा सुविधा है। उसके बाद एक बचेली में अपोलो हॉस्पिटल है, वो हमारा क्या है कि रेलवे हॉस्पिटल से कनेक्ट है वो, मतलब सब हम लोग सब बहुत लोग पूछते भी होंगे कि आप रेलवे हॉस्पिटल में इलाज करा सकते कि नहीं करा सकते। तो हमारा रेलवे में कनेक्ट होता है, हम रेलवे हॉस्पिटल हमारा साथ अटैच होता है प्राइवेट में, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्चा नहीं लगता है। रेलवे एम्प्लॉई का घर है, मेरी वाइफ है, इसका अगर कुछ भी प्रेगनेंसी वगैरह वहाँ डिलीवरी वगैरह होता है, तो सारा कुछ फ्री में होता है इलाज। तो वहाँ भी देखेंगे, हालांकि वो थोड़ा सा दूर है, 40-50 किलोमीटर दूर है। दूर भी तो है ना, हाँ दूर है। हालांकि दंतेवाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे थे ये थोड़ी मोटी हो गई है, कुछ खाती ज्यादा है, तो इसलिए क्या थोड़ा खाना पीने पर ध्यान खाती रहती है, खाने पीने पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा प्रेगनेंसी चल रहा है, तो बॉडी थोड़ा सा मोटा हो गया ही, तो आप लोग बहुत लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों, है क्या कि जगदलपुर में भी हम गए थे इलाज वगैरह, जगदलपुर में बहुत सारा सुविधा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत सारे हैं। हाँ, हालांकि दंतेवाड़ा में प्राइवेट हॉस्पिटल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में इतनी सारी सुविधाएं दे दी गई है कि आपको बाहर जाने का जरूरत ही नहीं महसूस होता है। उसके बाद उससे जस्ट आगे उधर जाएंगे बचेली किरंडुल की तरफ, तो वहाँ पे आपको अगर हम लोग का अगर सब कुछ ऐसा ठीक रहेगा तो एक बार दंतेवाड़ा हॉस्पिटल का वीडियो बनाएंगे क्या? हाँ, क्योंकि हम बहुत अच्छा, क्योंकि दंतेवाड़ा हॉस्पिटल हम बहुत बार जा चुके लेकिन वीडियो नहीं बनाया। बहुत अच्छा सुविधा है, मैं आपको दिखाऊंगा हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है वहाँ पे, बहुत अच्छा मुझे लगा, कोई दिक्कत नहीं। एक डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर रहा था वहाँ पे, एक मैडम वहाँ पे थी, नई आई थी, उसके बाद वो उनका ट्रांसफर हो गया, रायपुर चले गई, उनका हस्बैंड जो थे सीईओ थे, मतलब सर्किल ऑफिसर, तो उसकी वजह से वो ट्रांसफर हो गया। उसके साथ मैंने 8-9 महीना तक दिखाया था, अच्छा था, वो ट्रीटमेंट भी वो काफ़ी अच्छे कर रहे थे, बात को सुनते भी थे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक प्रेगनेंसी के मामले में क्या होता है दोस्तों, कि आपको ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है, कि आपके उस ऐसे डॉक्टर को सिलेक्ट करें जो आपकी बातों को सुने। हालांकि इस पर हम वीडियो आपको अलग से बना देंगे, ये सब अच्छे से सब कुछ हो जाने के बाद आपको सारी बातें हम बताएंगे, कैसे डॉक्टर को सिलेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ बातों को ध्यान आपको रखना है, सारी बातें हम बता देंगे उस वीडियो में। हालांकि पहले देखते हैं दंतेवाड़ा में सारा सुविधा है वहाँ पे, अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, रिपोर्ट वगैरह में सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ अगर मतलब क्या उसे कॉम्प्लिकेशन लगेगा तो जाएंगे, हाँ कॉम्प्लिकेशन लगेगा तो जगदलपुर भी शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर बचेली में अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ा है, वहाँ पे हमारा पूरा फ्री में इलाज होगा, रेलवे एम्प्लॉय को कोई पैसा नहीं लगेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। हालांकि पहले दंतेवाड़ा में देखेंगे, उसके बाद वहाँ पे नहीं तो चले जाएंगे, थोड़ा दूर है जिसकी वजह से वहाँ जाना थोड़ा सब संभव नहीं है, हालांकि देखते हैं क्या होता है। हालांकि आप लोग दुआ कीजिए कि सब कुछ हमारे साथ अच्छे से हो जाए, और आप लोगों का दुआ हमारे साथ है, बहुत लोग मुझे बोलते भी रहते हैं, तो आप लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो यही आपको दोस्तों बतानी थी वीडियो में, हालांकि वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा सा लेट से मिले। तो दोस्तों देखिए, बहुत जल्दी आपको हम लोग गुड न्यूज़ देने वाले हैं, आप लोग बस वहाँ से दुआ कीजिए कि गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिल जाए, हाँ सब कुछ बस अच्छे से हो जाए, उसके बाद सारी बातें हम बताएंगे, अपना रिपोर्ट वगैरह सब कुछ हम दिखा देंगे आपको, आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए। और अभी दोस्तों आज 16 नवंबर है,
तो सोलो नंबर को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा सा लेट मिल रहा होगा, और अभी इसका 9 मंथ चल रहा है ऑलरेडी, क्योंकि टाइम अब आ गया है, हो सकता है 10 से 15 दिन के अंदर में सब कुछ हो जाए, तो आपको वीडियो इसके जस्ट आसपास में ही आपको तुरंत वीडियो अपलोड हो जाएगा, मिल जाएगा। हम फिलहाल इसमें बहुत सारा काम हमारे बाकी है, हम थोड़ा रूम शिफ्ट वगैरह कर रहे हैं, बहुत सारा थोड़ा बिजी है, जिसकी वजह से आपको वीडियो लेट से मिल सकता है। चलिए फिलहाल और भी वीडियो हम कोशिश करेंगे लाने के, आप लोग हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें हमारे चैनल पे। अभी वीडियो कम आ रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, क्योंकि हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइबर हमारे बहुत सारे हैं, 45,000 के व्यूज फिलहाल कम जाता है, तो हम इतना टेंशन नहीं लेते, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम है बस वीडियो बना के रख देना। आजकल लोग क्या यूट्यूब पर धंधा बना के रख दिया, जो जैसा तैसा वीडियो बना देता है, हम तो भाई प्योर एकदम रियलिटी दिखाते हैं, सच्चाई बताते, ओरिजिनल बताते, मेरे वीडियो में आपको कोई दिखावा मिलेगा ना कुछ शो ऑफ मिलेगा, हम बस रियल दिखाते हैं और कैसे खुश रहा जाए वो आपको दिखाता है। हालांकि बहुत लोगों के पास हमारा वीडियो अभी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को वो देख नहीं पा रहे, तो आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा तो वो लोग हमसे जुड़ेंगे और देखेंगे कि लाइफ को कैसे इन्जॉय किया जाता है, एक जो हमें जॉब के साथ साथ मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं वो कैसे लाइफ का इन्जॉय करते हैं, तो आपको ये सब आपको देखने को मिलेगा अपने दोस्तों के साथ, करीबियों के साथ, अपने शेयर कर दीजिए, अपने फैमिली है, माता पिता है, उनको भी दिखाइए थोड़ा सा, ताकि उनका भी सपोर्ट, उनका दुआ हमको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.